विनाशकर एक सत्य धर्म की स्थापना करना ये परमात्मा पिता का कर्तव्य है। और परमात्मा इसीलिए धरा धाम पर आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि इस कार्य में तो सहयोगी बन ही सकते हैं ना, अपने जीवन को तो हम श्रेष्ठ विचारों से भर ही सकते हैं ना, क्योंकि मानव का जीवन अगर सुंदर है तो सुंदर गहनों के कारण है। आज लोग हम लोग क्या करते, गहनों से सज जाते, आभूषणों से सज जाते, लेकिन आंतरिक सुंदरता हमारी दिन प्रतिदिन खत्म होती जाएगी। आज देखिए हर एक जगह पर जब जाएंगे ना, हर एक गली मोहल्ले चौराहे की बात करें, हर जगह ब्यूटी पार्लर है। बच्चे सुंदर सब देखना चाहते, सबको सुंदरता प्रिय है, लेकिन कौन सी सुंदरता, बाहर की सुंदरता। हमारे दैवीय संस्कृति की सभ्यता में इसका महत्व नहीं था। हमारी दैवीय संस्कृति की सभ्यता में आंतरिक सुंदरता का महत्व दिया गया था। इसलिए पहले जो रिलेशनशिप होते थे, यानी जो पहले संबंध थे, वो बहुत मधुर होते थे। और आज के संबंध, आज शादी हुई, आज स्वयंवर हुआ, और कल उसका कंडीशन समझ में आ रहा है ना सबको। बच्चे बाहर सुंदरता, पहले के लोग बिगड़ देखे शादियां हमारे समाज में होती थी और लॉन्ग लाइफ उस शादी को दिखाते थे। बच्चे आंतरिक रुच को देखते थे, आंतरिक गुणों को देखते थे। और आज हम मानो आंतरिक गुणों से बहुत कोसों दूर जा चुके हैं। कहते हैं आज बच्चों से भी कहिए कि ये हमारी संस्कृति की सभ्यता नहीं है, तो कहते हैं आप किस सदी में जी रहे हैं। एक ऐसी सदी आने वाली जो है उसमें ये प्रक्रिया ही नहीं चलेगी कि यही भारत है जो सोने का चिड़िया स्वर्ग कहलाता था, जहाँ देवी देवता एक साथ रहते थे और आज विनाश करते। आज उसे भारत को केवल अपने को श्रेष्ठ सुंदर और सात्विक बना ले, यही परमात्मा के कार्य में हमारा महत्व। जबकि आप सबको पता है कि प्रकृति का हर क्षण और हर पल बदल रहा है, फिर हम उसको क्यों बदलना चाहते, हमें बदलना है और हमें किस हिसाब से बदलना, ऐसे ऊंचा बनाया जाए जिसे सुख शांति रहे और सच्चा ईश्वर क्या है और वो क्या है इसके बारे में ज्ञान दे। ये वो संस्था और इस संस्था के इसीलिए ये बहनें पटना से आई हैं, अंजू बहनें पटना से आई हुई हैं, दो बहनें पटना से आई हुई हैं और एक बहनें आरा का है। हम लोग चाह रहे हैं कि प्रत्येक गांव में जो लोग छोटे छोटे बातें को लेकर क्रोध में हैं, छोटे छोटे बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, क्योंकि सुख का कोई सीमा नहीं है। आप देखते हैं जो करोड़पति है उसको भी पूछेगा तो उसके अंदर भी दुख है। एक गरीब आदमी है लेकिन अगर उसकी मन की शांत है तो रात को भरपूर नींद लेता है, लेकिन करोड़पति आदमी अगर मन अशांत है तो उसको भी नींद नहीं आती है। कि ज्ञान हम लोग इस ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय से दे रहे हैं कि मनुष्य क्या है। मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, ये शरीर जो है वो धारण किया है अपना एक्टिंग करने के लिए, इसलिए हर स्थिति में अपने मन बुद्धि को एकाग्र बनाइए और आपके अंदर जितने भी विकार है, काम क्रोध लोभ, इसको त्याग करें, तभी जाकर सच्चा लोगों को सुख शांति मिलेगा और आपको सुख शांति मिलेगा, ये संसार भी सुख शांति। यही संदेश नाम बता रहा है। देखिए मेरा नाम पड़ेगा बीएन प्रसाद और हम पटना से आए हैं। ऐसे तो हम सरकारी नौकरी में भी है, उद्योग विभाग में ज्वाइन करिए। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है मानव के अंदर गुणों का विकास करना, ताकि हमारा हर गांव हर शहर एक गोकुल गांव बने, मानव के अंदर ऐसे चारित्रिक गुण आ जाए, नैतिक मूल्य आ जाए, जिससे हर घर में सुख और शांति हो, मानव तनाव मुक्त होकर के जीवन जिए, हर मिल करके रहे, आपस में स्नेह सहयोग और सद्भावना की भावना हो, हमारे संकल्प के अंदर इतनी ताकत हो कि जो चाहे वो हम कर सके, किसी प्रकार का किसी के अंदर कोई विकृति नहीं हो, किसी से नफरत घृणा ईर्ष्या द्वेष ना हो,
तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा, साथ साथ जो गांव में किसान भाई बहन रहते हैं जो खेती से बहुत परेशान है, क्योंकि हमारे अनुकूल से प्रकृति का भी सहयोग नहीं मिल रहा है और पेस्टिसाइड दवाइयों से जो अन्न दूषित अन्न हो रहा है, तो कैसे हम अपने शुद्ध संकल्प की शक्ति से परमात्मा को याद करके प्रकृति को सत्व प्रधान बनाए, शुद्ध बनाए, ताकि कम खर्चे में हम बहुत अधिक उपज प्राप्त कर सके, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, मन भी हमारा शक्तिशाली हो और आर्थिक रूप से भी हमें उसमें लाभ मिले।